हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ डबल कलर में एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन शेयर कर रही हूँ। ये डिजाइन दिखने में जितनी खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है। ये टू रो की डिजाइन है, लेकिन जब हम एक बार बना करके दोबारा डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन की जगह चेंज कर देते हैं, इसलिए ये फोर रो की डिजाइन हो जाती है। इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालते हैं वो फोर के मल्टीपल्स में डालते हैं। इस डिजाइन में एक कलर की टू रोज बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद ये दो फंदे लेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में जो गैप है वहाँ पर हम सिलाई डाल करके एक लूप बना लेंगे। इसके बाद ये जो दोनों फंदे हैं, इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे और ये जो हमने लूप बनाया है उसको इन दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर दो फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये चार फंदों की बुनाई हो गई है। ये दो फंदे ये जिनमें हमने बुनाई बनाई है और दो फंदे सीधे, पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। अब हम फिर ये दो फंदों के बीच से ये इस तरह से एक सीधा फंदा बुन लेंगे, यानी एक लूप बना लेंगे और फिर ये दोनों फंदे हम बुन लेंगे सीधे सीधे। अब इस लूप को इन दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे। इसके बाद दो फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से ये चार फंदों की बुनाई हो जाएगी, एक दो तीन चार। फिर इसी तरह करेंगे ये दो फंदे के बाद, दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है यहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप बनाएंगे ये इस तरह से, और इसके बाद दोनों फंदे हम सीधे बुन लेंगे, ये एक और ये दो। जो लूप बनाया है उसको इन दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे और इसके बाद के दो फंदे सीधे बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, जो कि डिजाइन की फर्स्ट रो है और राइट साइड से है। लास्ट के तीन फंदे मेरे पास हैं, यहाँ पर हम दो फंदे के बाद जैसे डिजाइन बनाते हैं उसी तरह से ये डिजाइन बनाएंगे। ये एक लूप बनाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे और फिर इस लूप को इन दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बुन लेंगे। हम डिजाइन की सेकेंड रो पर हैं, जो कि रॉन्ग साइड से है। पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद ये दोनों फंदे जो हैं ये हमारे बिनाई वाले हैं, जिनमें मैंने एक जो लूप लिया था उसको इन दोनों फंदों के ऊपर से उतारा था, ये वो फंदे हैं। इन दोनों फंदों में पहला फंदा हम बुन लेंगे और इसके बाद वाला ये दूसरा फंदा, और ये जो दो सीधे बनाए थे इन दोनों में का एक फंदा, ये जो दो सीधे बनाए थे इन दोनों में का एक फंदा। इन दोनों फंदों को आपस में केबल की तरह पलट लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम ये पीछे वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे और इसके बाद ये आगे वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। हमें इस तरह से डिजाइन बनानी, दो फंदे ये हो गए। अब दो फंदों की और बनानी है, एक सादा फंदा है एक केबिल वाला फंदा है। इन दोनों फंदों को हम इस तरह से सिलाई पे पहले ले लेंगे, ये इस तरह से ले लेंगे, फिर ये जो हमारा ये वाला फंदा है इसको इस तरह से आगे ले आएंगे ये, और ये जो फंदा है इसको पीछे से इस तरह से आगे ले आएंगे। अब इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे, इन दोनों फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये चार फंदे हो गए हमारे बिनाई के। अब फिर हमें इसी तरह से बनाना है, पहले इन दोनों फंदों में ये आगे से इस तरह से केबल बनानी है जैसे मैंने पहले वाले दो फंदों से बनाई थी, और उसके बाद पीछे वाले फंदों से दोनों फंदों को इस तरह सिलाई पे ले लेंगे। पहले ये सिलाई पे लेने के बाद ये इस तरह से ले लेंगे, इस वाले फंदे को उतार लेंगे, इस वाले को इस साइड में आगे ले लेंगे और इसको पीछे से, ये जो दूसरा फंदा है उसको पीछे से ये इस तरह से आगे ले लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। कैसे बनाएंगे, दो फंदे ये आगे वाला पहले बुन लेंगे उल्टा, फिर पीछे वाला ये इस तरह से बनाएंगे, और फिर इन दोनों को ये एक सलाई पे उतार लेंगे पहले, और उसके बाद इस वाले फंदे को इस पे रहने देंगे, आगे वाली सिलाई पे उतार लेंगे, इसको पीछे से आगे ले आएंगे ये। अब इन दोनों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये डिजाइन की सेकंड रो है और रॉन्ग साइड से है।
की थर्ड रो पर हैं जो कि राइट साइड से है, दूसरा कलर चेंज करेंगे उनका और तीन फंदे हम सीधे बनेंगे क्योंकि पहले हमने डिजाइन बनाई थी, एक फंदा सीधा बनने के बाद दो फंदों में डिजाइन बनाएगी बनाई थी, लेकिन इस बार हम पहले दो फंदे सीधे बनेंगे इसके बाद डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो दो फंदे हैं तो इन दो फंदों के बाद हम ये एक लूप बनाएंगे और फिर ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे। इसके बाद ये जो लूप है इस लूप को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे, फिर दो फंदे सीधे बनेंगे और फिर इसी तरह से दो फंदों के बाद ये एक लूप बनाएंगे, ये बीचों बीच में सिलाई डाल करके एक लूप बनाएंगे, ये दोनों फंदे सीधे बनेंगे और इसके बाद इस लूप को इन दोनों फंदों के ऊपर से स्लिप कर देंगे। पूरी रो हमें अब इस तरह से बनानी है, ये डिजाइन की थर्ड रो है और राइट साइड से है। डिजाइन की लास्ट में ये जो थर्ड रो है इसमें लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिनको कि हम सीधा सीधा बुन लेंगे। डिजाइन की शुरुआत में भी तीन फंदे हमारे पास सीधे थे और डिजाइन के लास्ट में भी हमारे पास तीन फंदे सीधे बचेंगे। डिजाइन की फोर्थ रो पर है जो कि रॉन्ग साइड से है, दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। इसके बाद पिछली बार जब हमने केबल बनाया था तो पहले ये उल्टा ये बिन करके बनाया था फिर ये बिना था, लेकिन इस बार केबल की डिजाइन फ़र्क हो जाएगी, ये पीछे से लिया जाएगा। पहले पीछे वाला फंदा जैसे हमने दूसरी वाली केबल बनाई है उस तरह से बनाया जाएगा। तो इन दोनों को हम पहले सिलाई पे उतार लेंगे, फिर इसको सिलाई पे रहने देंगे, इसको इस साइड में ले आएंगे और दूसरे को ये दूसरा फंदा जो है ये इसको हम आगे से इस तरह से ले लेंगे, फिर दोनों को उल्टा बिन लेंगे। इसके बाद ये दोनों फंदे जो हैं इनमें केबल इस तरह से बिन जाएगी जैसे मैंने पहले वाली केबल बिनी थी। अब इस तरह से केबल बिन जाएगी, डिजाइन की जगह पलट जाएगी। फिर इसी तरह से बनाएंगे, इन दोनों को सिलाई में ले लेंगे, ये इसको इसमें उतार लेंगे और इसको पीछे से ये इस तरह से ले लेंगे, फिर इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे और इसके बाद इन दोनों को आगे से इस तरह से बुना जाएगा, पहले इसको फिर इसको, दोनों इस तरह से बुने जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। आप चाहें तो जो दूसरी वाली केबल हम बनाते हैं उसको इस तरह से भी बना सकते हैं, पीछे से जैसे हम फंदा उतार करके तब पलटते हैं उसकी जगह आप ये जो पीछे वाला फंदा है उसको इस तरह से ढीला करें और उसको इस तरह से उल्टा बिन लें, ये इस तरह से उल्टा बिन लीजिए और आगे वाले फंदे को इस तरह से उल्टा बिन लीजिए। ये उसी तरह से केबल बनेगी जैसे आप बनाना चाह रहे हैं। फिर ये पीछे वाला जैसे किया था उसी तरह से करिए ये दोनों फंदे। उसके बाद आपको आगे फिर से बताते हैं किस तरह से मैंने किया है। ये दोनों फंदे हैं इनमें पीछे वाले फंदे को इस तरह से, ये जो पीछे वाला दूसरा फंदा इसको इस तरह से ढीला करके ये उल्टा इस तरह से बुन लीजिए पहले और उसके बाद आगे वाले फंदे को बुन लीजिए। इस तरह से आपको उतारना नहीं पड़ेगा और आसानी से आप बुन भी सकती हैं, आप जैसे चाहें उस तरह से केबल पलट सकती हैं। ये इसी तरह से आपको पूरी रो बनानी है। लास्ट में दो फंदे बचेंगे केबल पलटने के बाद, इन दोनों को केबल नहीं बनाएंगे, इन दोनों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से मैंने फोर रो कंप्लीट कर ली है और ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई हो, इस डिज़ाइन को बताने का ढंग समझाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।